सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम के आपको सभी मटेरियल और जो भी मैं HD वीडियोज़ यूज़ करता हूँ या HD वीडियो अपलोड करता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो स्टेटस हो या रील्स हो आपको सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो पे जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगा उसमें पासवर्ड है, ठीक है। तो जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को आपको पासवर्ड मिलेगा वीडियो में, और पासवर्ड मिलने के बाद आप XML को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको दो XML मिलेगा, एक है बीट मार्क का, एक है इफेक्ट का, ठीक है। दोनों को आपको एलाइट मिशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है और सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, इस तरीके आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट मार्क है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, कलर एंड फिल में आना है, ग्रेडियंट में जाना है, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो व्हाइट कलर है इसको आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है, और लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक कलर है इसको आपको ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है और पूरा डीप कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, और ये जो लाइन है आपको सिंपल से ये सेंटर में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटर में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 16.23 सेकंड पे आ जाना है, रेक्टेंगल को भी उस पॉइंट पे लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और सभी टेक्स्ट के नीचे रखना है, ठीक है। इस तरीके से सभी टेक्स्ट के नीचे इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है आप डेट चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपका नाम है वो नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम है आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी नेम ऐड करना चाहते हैं कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 16.23 सेकंड पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ऐड करना है, नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ऐड करना है, नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बीट मार्क के हिसाब से सभी इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी इमेज को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बीट मार्क के हिसाब से सभी इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से आपको बैक आना है, XML पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट का इफेक्ट है और दो इमेज का मैंने यहाँ पे इफेक्ट दिया, ठीक है। सबको सिंपल से क्या करना है, जो इफेक्ट का से जो इसका इफेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट का इफेक्ट कॉपी कर लेना है, बैक आना है, सॉन्ग बीट मार्क पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, जो आपका थॉट्स है या जो भी आपका लिरिक्स है इस पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, और जो डबल डॉट बस्ट है इसको भी आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट इफेक्ट कर देना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सभी जितना भी है आपको सिंपल से जो टेक्स्ट है आपको सिंपल से इफेक्ट पेस्ट कर देना है, और डबल डॉट बस्ट में भी, ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट पेस्ट करना है, इस तरीके से पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी जो टेक्स्ट है और सभी जो आपको डबल डॉट बस्ट दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, फिर से XML पे जाना है, फर्स्ट इमेज का इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है, बैक आना है, सॉन्ग बीट मार्क पे जाना है, 16.23 सेकंड पे आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से 16.23 सेकंड पे आ जाने, फर्स्ट दो इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से जो छोटा छोटा फर्स्ट दो इमेज है आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, इस तरीके से। तो इसका जो स्पेस है थर्ड इमेज का बड़ा है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट जो दो इमेज है इस पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट करना है। नेक्स्ट इमेज आप देख सकते हैं जो लेयर बड़ा है इसको छोड़ देना है, बाकी दो इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। नेक्स्ट इमेज जो लाइन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा है इसको छोड़ देना है, दो इमेज छोटा छोटा इस पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, फिर से XML पे जाने, सेकेंड इमेज का इफेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है, बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, और जो भी इमेज आपने मिस किया है सिंपल से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला स्पेस जो है इसका बड़ा है, ये वाला इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है।
इस तरीके से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो आपको ध्यान से सुन लेना है कैसा करना है। जो फर्स्ट फोटो का इफेक्ट है, फर्स्ट फोटो का इफेक्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट दो इमेज पे आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जुमट कर लगे, ये छोटा है, फर्स्ट दो जो इमेज है वो छोटा है, बाकी जो है वो बड़ा है, ठीक है। जो लेयर है इसका साइज़ बड़ा है, तो जो जितना भी लेयर साइज़ बड़ा है इसको आपको छोड़ देना है, और बाकी छोटा छोटा आप देख सकते हैं ये वाला जो छोटा है इसमें फर्स्ट इमेज का इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। और सेकेंड इमेज का इफेक्ट जितना भी लंबा लेयर है सबको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को सेव, सॉरी वीडियो को सेव करने के राइट पे कॉर्नर पर क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी मेटल मैं यूज़ करूँगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से चेक करना, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।